देर से जाम यहाँ पर लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं काफी देर से जाम लगा हुआ था और जाम को खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। एक नौजवान युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होता है। भाई तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जाम को खुलवाती हुई नजर आ रही है, जाम को खुलवाती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है, करनाल के त्रावड़ी से है, जहां पर जो जाम लगा हुआ था उसको आखिरकार खुलवा दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं जाम को खुलवाते हुए पुलिस कर्मचारी जाम को खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि दो ढाई घंटे से रोड को जाम कर रखा था और इस जाम को पुलिस कर्मचारी अधिकारी खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सरेआम पुलिस वाले मार रहे हमारे को, ये सारा पुलिस वाला वो सारा ये मार रहा है, यहाँ सुनाई नहीं हो रही हमारी, पुलिस वाले खुद मार रहे हमारे को। के लिए बोल रहे हैं आप, ये डेड बॉडी उठाने दे रहे, उसके बाद ही कार्रवाई है, डेड बॉडी उठाने के बाद। जी जी जी, जाम लगवाया हुआ है, अभी खुलवाएंगे जी, फोर्स बुला लिए। हाँ जी, आप देख सकते हैं डीएसपी लेवल के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, करनाल पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं ताकि आश्वासन दिया जा सके और जाम को भी खुलवाया जा सके। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, तरावड़ी में पिछले ढाई घंटे से हंगामा चल रहा है, माँ बाप के इकलौते बेटे 28 वर्षीय अजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, पुलिस फोर्स बुला ली गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस फोर्स बुला ली गई है क्योंकि रोड को काफी देर से जाम किया हुआ था, आप देख सकते हैं रोड को काफी देर से जाम किया हुआ है और इस समय जाम को खुलवाते हुए पुलिस के अधिकारी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जाम को खुलवाते हुए क्योंकि काफी देर से जाम यहां पर लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं काफी देर से जाम लगा हुआ था और जाम को खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तरावड़ी से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई है और इस जाम को खुलवाते हुए पुलिस के अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला उनके परिवार की ट्रक के आगे आती हुई, ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, करनाल के तरावड़ी में जहां पर किस तरह से एक नौजवान युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होता है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जाम को खुलवाती हुई नजर आ रही है, जाम को खुलवाती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है, करनाल के त्रावड़ी से है, जहां पर जो जाम लगा हुआ था उसको आखिरकार खुलवा दिया गया है क्योंकि एक घंटे से मेन रोड जाम थी, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, समय जाम को खुलवा दिया गया लेकिन कुछ एक परिवार के लोग जमकर अभी भी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं तरावड़ी से, जहां पर जाम को खुलवा दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, हालांकि जाम को खुलवा दिया गया था लेकिन दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम
लगा दिया गया है, दोबारा से जाम लगा दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तरावड़ी से करनाली गेट से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर दोबारा से जाम लगा दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर बुला ली जाती है। तरावड़ी में जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, 28 वर्षीय एक नौजवान युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होता है, और इस समय आप ये लाइव देख सकते हैं तस्वीरें। महिला पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं रोड को क्लियर कराते हुए पुलिस के कर्मचारी, लेकिन इस बार रोड क्लियर करा दिया गया था, लेकिन दोबारा से एक बार परिवार के लोग सड़कों पर आ गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें से भी आप देख सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर है, जाम को खुलवाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन जाम अभी तक नहीं खुल पाया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है, डीएसपी खुद इस जाम को खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें तरावड़ी से देख सकते हैं, जहां पर सुबह से जमकर हंगामा हो रहा है। 28 वर्षीय नौजवान युवक अजीत का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद होता है, और जिसके बाद आप देख सकते हैं इस समय जाम को खुलवाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय तरावड़ी से इस समय आप देख सकते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं जाम को खुलवाते हुए पुलिस कर्मचारी, जाम को खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे से रोड को जाम कर रखा था और इस जाम को पुलिस कर्मचारी अधिकारी खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा पुलिस को, क्योंकि जाम लगा हुआ है 2-2.5 घंटे से। आश्वासन दिया जा रहा है परिवार को हर संभव, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं जाम नहीं खुल रहा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जाम को खुलवाते हुए पुलिस कर्मचारी अधिकारी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तरावड़ी से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जाम को अब खुलवा दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पैसा खा रहे हैं, पैसा खा के माता मार रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। हम खा रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हमारे को, ये खड़ा पुलिस वाला, वो खड़ा ये मार रहा है, यहाँ सुनाई नहीं हो रही हमारी, पुलिस वाले खुद मार रहे हैं हमारे को, पैसा लेके बैठ रहे हैं। हालांकि डीएसपी लेवल के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवा दिया है, और परिवार को हर संभव आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग थाने चले और जो भी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है, वो जल्द से जल्द की जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप तरावड़ी से आप देख सकते हैं।